बांग्लादेश में छात्र आंदोलन और तख्तापलट के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी में भी बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन के इस्तीफा देने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि बोर्ड के अधिकारियों ने 15 अगस्त को कहा था कि वो बोर्ड के सुधार लाने के लिए सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। नजमुल हसन बीसीबी अध्यक्ष के रूप में अपनी चौथे कार्यकाल में हैं। हसन हाल ही में अपनी पत्नी के साथ पनाह लिए हुए हैं। देश में चल रहे छात्र विरोध और पॉलिटिक्स क्राइसिस के बीच वो सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से संबंध रखने वाले कई अन्य प्रमुख बोर्ड के निदेशक भी छिपे हुए हैं। आपको बता दें कि 14 अगस्त को ढाका में हुई बैठक में कुछ बीसीबी निदेशकों ने बोर्ड में सुधार की दिशा में अगले कदम पर चर्चा की। उन्होंने नजमुल हसन की अध्यक्षता वाली समिति के इस्तीफे की मांग की। बीसीबी के निदेशक ने नजमुल हसन से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि वो सरकार के साथ सहयोग करने और जरूरत पड़ने पर पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरे निदेशक ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि अगर बोर्ड को निर्वाचित निकाय के तहत चलाया जाता है तो उन्हें अंतरिम सरकार से पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। हाल ही में खेल के सलाहकार आसिफ महमूद ने बीसीबी अधिकारियों से मुलाकात की ताकि ये देखा जा सके कि क्या बोर्ड आईसीसी नियमों के तहत अंतरिम प्रमुख नियुक्त कर सकता है। चूंकि मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर 2025 तक है, इसलिए निदेशकों को चिंता है कि इस्तीफों का असर इस साल अक्टूबर में बांग्लादेश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी पड़ सकता है। इस समय बोर्ड के कामकाज के तरीकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें अंतरिम बोर्ड की संभावना और आईसीसी द्वारा संभावित कार्रवाई भी शामिल है। निदेशक ने कहा कि संविधान में अंतरिम बोर्ड का प्रावधान नहीं है, लेकिन अंतरिम चुनाव का प्रावधान है।